क्या कुछ हाल है, क्या कुछ तापमान है, इस तापमान की चपेट में आने से कितने लोग परेशान हैं, इसी का जायजा लिया जा रहा है लगातार। तो वहीं एफएम न्यूज़ की टीम भी लगातार जगह जगह पर जाकर रियलिटी चेक कर रही है। तो वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, तो वहीं नरेश तोमर भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गाजियाबाद में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है, मौसम से जिस तरीके की परेशानियां लोगों को हो रही हैं, गर्मी का सितम गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है, किस तरीके का माहौल है इस वक्त और गाजियाबाद में लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, गाजियाबाद में तेज तपती धूप से लोगों को बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और जो आप हवा इस वक्त देख रहे हैं, ये लू के थपेड़े हैं, ये वो थपेड़े हैं जो लगातार लोगों को बीमार कर रहे हैं। जिला अस्पताल में भी मरीजों की फेहरिस्त लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में केवल केवल और केवल सावधानी ही बरतें आप, अगर आप इस लू के थपेड़ों से बचना चाहते हैं, हीट वेव से बचना चाहते हैं। कहीं तो आग लग रही है, कहीं लोग परेशान हैं। 171 एक बड़ा आंकड़ा होता है, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, 171 आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा होता है। और ये आंकड़ा कहीं गाजियाबाद में रुक न करने, कहीं गाजियाबाद के जो नुमाइंदे हैं, जो बीमार हैं, वो कहीं मौत के आंकड़े में तब्दील हो जाए, उसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उच्च अधिकारियों से भी हमारी बात हो रही है। हालांकि इस दौरान हीट वेव से मौत का कोई भी ऐसा मामला गाजियाबाद में नहीं आया, ऐसा गाजियाबाद के सीएमओ भवतेश शंकरधर का कहना है। हालांकि गर्मी के इस माहौल में जाहिर तौर पर कई 100 लोग बीमार हैं और इस बीमारी के हालात में किसी की आंखों में आई फ्लू हो गया है, कोई परेशान है गर्मी से, किसी को पेट खराब है, तो ये सब मामले जो लगातार आ रहे हैं, ये जो जिला अस्पताल है उसकी फेहरिस्त वो बढ़ा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। अब ऐसे में सावधानी अगर आप बरतते हैं तो जाहिर तौर पर इस हीट वेव से बचा जा सकता है। अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो इस तरीके का कोई गमछा, कोई सूती कपड़ा अपने सर को ढककर निकल सकते हैं, आप कैप पहन सकते हैं, आप अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा सकते हैं, आप पानी की बोतल लेकर अपने घर से निकल सकते हैं और पानी के अंदर ओआरएस का घोल भी मिला लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर ये सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है और इसी से कहीं ना कहीं बचाव होगा, आप हीट वेव से कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल नरेश, और मौसम बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से दिल्ली में तो जल संकट देखने को मिल रहा है और आसपास के क्षेत्रों में और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर भी जल संकट से जुड़ी तमाम खबरें सामने आ रही है, तो गाजियाबाद में आखिरकार क्या कुछ माहौल है, क्या वहां पर भी जल संकट जैसी स्थिति है? क्योंकि भीषण गर्मी से लोग तो परेशान है, ऊपर से जल संकट जैसी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो इसमें लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे। देखिए, बिल्कुल जल संकट की अगर बात की जाए तो हमने कई जगह पर औचक निरीक्षण किया था और इस चीज में निरीक्षण में हमने पाया कि पानी की व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। अगर पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो लोग वहाँ काफी परेशान हैं। हम कौशाम्बी बस अड्डे की बात कर रहे हैं जहाँ रोडवेज अड्डा है, यूं तो वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बस कर लेते हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, सुबह से ही वहाँ भीड़ लग जाती है, बावजूद इसके वहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। अगर पानी की बात की जाए तो वहाँ खारा पानी ही मिल रहा है और लोग उसे ही पीने के लिए मजबूर है। एक तरफ तो पानी वहाँ खारा है और लोग त्राही माम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पर ठंडी बोतलें बिसलेरी की बेची जा रही है। कहीं ना कहीं ये है कि अगर खारा पानी लोग पीते हैं और खारे पानी से परेशान होते हैं तो जाहिर तौर पर बिसलेरी की बोतल खरीद कर पियेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे हालात रोडवेज अड्डे के देखे हैं जहाँ पे हमने औचक निरीक्षण किया था। ऐसे में लगातार प्रशासन को इस तरफ रुख करना चाहिए और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। ऐसे ही हालात हमें रेलवे स्टेशन पर देखने को मिले हैं जहां पर खारा पानी था। अगर वहां पर हमने स्टेशन मास्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यही पानी है जो टैंकर से आता है और इस टैंकर के पानी को हम इस टैंक में भर देते हैं जिसके बाद इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद दयनीय हालात है क्योंकि अगर लोग खारा पानी पीते हैं तो जाहिर तौर पर उसका टीडीएस भी बड़ा होता है और ऐसे में लोग बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि हीट वेव का प्रकोप लगातार उत्तर भारत में जारी है। ऐसे में लोग अगर खराब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर तौर पर बीमार हो सकते हैं और इस बीमारी से बचने के कई उपाय तो प्रशासन
प्रशासन कर रहा है, कई प्रशासन सावधानियां बरतने की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी की व्यवस्था है वो खारे पानी की व्यवस्था गाजियाबाद में की हुई है और उसमें अगर सुधार हो जाए तो जाहिर तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होगा। कुल मिलाकर हीट वेव का प्रकोप जारी है, लोगों को खारा पानी मिल रहा है, हालांकि जिस तरीके के हालात हैं वो काफी दयनीय है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा पहले भी होता रहा है, हम लगातार खारे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। जी ठीक है जितेंद्र नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लोग भी अपना ख्याल रखें क्योंकि आप लगातार फील्ड पर जाकर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की ये भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, ऐसे में इस भीषण गर्मी की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश में 171 लोगों की मौत हो चुकी है, यूपी में हाहाकार मच चुकी है।